कपिल देव भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े और भारतीय क्रिकेट पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले नामों में से एक हैं। भारतीय क्रिकेट में कपिल देव का क्या योगदान है, इससे शायद कोई ही अनजान होगा। विश्व क्रिकेट के महान ऑलराउंडरों में से एक कपिल देव की कप्तानी में ही भारत ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जिसके बाद भारत में क्रिकेट की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। अपने विस्फोटक बैटिंग और खास तौर पर तेज गेंदबाजी से कपिल ने टीम इंडिया की ताकत बढ़ाई। ऐसे में कपिल के नाम कई रिकॉर्ड्स भी रहे। हालांकि उन कई रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जिसकी कई सालों से चर्चा होती रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दावा पूरी तरीके से गलत है। इन तमाम किस्से कहानियों के बीच एक ऐसा कथित फैक्ट भी है जिसका कपिल की जयगाथा में उल्लेख किया जाता है, लेकिन असलियत यह है कि इसे अफवाह की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तमाम वेबसाइट पर ऐसे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि कपिल देव ने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई पोस्ट आप देख सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। रैंडमली स्कोर कार्ड सर्च करने पर मिलता है कि 1994 में खेली जा रही सिंगर वर्ल्ड सीरीज, ये सीरीज श्रीलंका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेली गई थी। इस सीरीज के तीसरे मैच में कपिल देव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक नो बॉल फेंकी थी। इस मैच में दो नो बॉल फेंकी गई। कपिल के अलावा मनोज प्रभाकर ने भी एक नो बॉल फेंकी थी। ये एकमात्र मौका नहीं है जब कपिल के नो बॉल फेंकने का सबूत मिला हो। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कपिल देव के टेस्ट करियर का पहला ओवर देखने को मिलता है। ये मैच फैसलाबाद में खेला जा रहा था, जहां टेस्ट की पहली गेंद कपिल देव ने ही फेंकी थी। इस वीडियो में कपिल की फेंकी गई गेंद नो बॉल डिक्लेयर होती है, जिसको देखा जा सकता है। कॉपीराइट की वजहों से ये वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। इस वीडियो का लिंक जरूर हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यहाँ आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। यानी कपिल देव के नो बॉल फेंकने का वीडियो साक्ष्य भी इंटरनेट पर मौजूद है। इस तरह से ये साबित हो जाता है कि कपिल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में एक भी नो बॉल न फेंकने का दावा पूरी तरीके से गलत है। खैर, अब बात हो रही है तो आपको एक और स्टैट्स भी बताते चलते हैं। बिना नो बॉल फेंके सबसे ज्यादा गेंद डालने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन के नाम है। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने बिना नो बॉल फेंके 31,000 से ज्यादा गेंदें डाली हैं। लियोन ने अपने करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी है अब तक। लियोन 36 साल के हैं और हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 500 टेस्ट विकेट का आंकड़ा भी पार किया है। बहरहाल, कपिल देव पर वापस आते हैं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 434 टेस्ट, 253 वनडे खेले हैं। वहीं बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने टेस्ट मैचों में 5,248 और वनडे में 3,783 रन बनाए। कपिल के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी लिखा हुआ है। बतौर कप्तान एक पारी में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग फिगर की लिस्ट में कपिल सबसे ऊपर हैं। उन्होंने 1983 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में एक पारी में 83 रन देकर 9 विकेट लिए थे। कपिल के लिए साल 1983 बेहतरीन था। उनकी अगुवाई में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता और इसी साल उन्होंने 18 टेस्ट मैचों में 75 विकेट लिए। कपिल को अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है।